अचानक से मौसम ने ली करवट तो राजधानी पटना में तेज गर्मी और तपती धूप से लोगों को राहत मिली है। देखिए अचानक से राजधानी पटना में तेज बारिश हो रही है, आंधी हो रही चल रही है, तेज हवा भी चल रही है, जिससे आवागमन में तकलीफें तो जरूर हुई है, लेकिन जो तेज गर्मी पड़ रही थी, तपती धूप हो रही थी, उससे लोगों को निजात मिला है। अचानक से भारी बारिश हुई है और राजधानी पटना में सड़क पे जो लोग चल रहे थे वो अचानक से जो यात्री शेड बनाया गया है उसमें रुक गए हैं, क्योंकि भारी बारिश हो रही है, तेज गर्मी से निजात मिली है। पूरा निजात मिल गया है, गर्मी बहुत ज्यादा था, बारिश से तो राहत मिल गया है। बारिश जरूरी थी? बहुत जरूरी थी। क्या लगता है जो बारिश हो रही है जरूरी थी? बहुत जरूरी थी, मौसम देखते हुए काफी तेज गर्मी पड़ रही थी पहले। जी हाँ जी हाँ। क्या लगता है जो तेज गर्मी थी उससे निजात मिलेगी, भारी बारिश हो रही है? न्याय तो मिली है, राहत तो, राहत का सांस तो मिली है। तो जरूर जो आंधी चल रही है, हवा भी तेज चल रही है, भारी बारिश हो रही है, तेज गर्मी थी, तपती धूप थी, उससे निजात जरूर लोगों को मिला है। भारी बारिश हो रही है, गर्मी से निजात मिल गई होगी? बहुत ज्यादा गर्मी से राहत मिली है। काफी परेशान होंगे गर्मी में इसके पहले? बहुत तकलीफें होती होगी दफ्तर जाने में या जहाँ भी आप जाती होंगे अपने कामों के सिलसिले में? हाँ बहुत तकलीफ होती। तो अब तो आसान हो गया जाना? बहुत। तेज गर्मी से निजात मिल गई, भारी बारिश हुई है, इसके पहले तकलीफें झेलनी होगी? अप्रैल के महीने में इतने ज़्यादा तेज धूप और लू चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मई और जून में क्या हालत होगी, और बीच बीच में बारिश हो जाने से काफ़ी मौसम में परिवर्तन आ गया है, जिस कारण सारे जो लोग हैं जो परेशान हैं काफ़ी आनंद मिल रहा होगा। तो निश्चित तौर पर तेज बारिश, हवा भी तेज चल रही है, इससे जो सड़क पे चाय बेचते हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, उनको तकलीफ जरूर होती है, लेकिन जिस तरह तेज गर्मी पड़ रही थी, तपती धूप थी, उससे निजात लोगों को मिली है। और जो लोग राजधानी पटना की सड़कों पे चल रहे थे वो अचानक से जो यात्री शेड है उसमें आके बैठ गए। देखिए चाय वाले हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए चाय बनाते हैं, लेकिन तपती गर्मी से निजात जरूर मिली है। अभी आपका कारोबार ठप हो गया हो लेकिन गर्मी से निजात मिली है, क्या कहें? गर्मी से राहत बहुत मिली है। जरूरी थी बारिश? जरूर, बहुत जरूरी थी। अब ठंडा मौसम हो गया है तो आगे और आपको कारोबार करने में मजा आएगा? मजा आएगा एकदम। और देखिए अब ओलावृष्टि हो रही है, क्योंकि जो पत्थर कहा जाता है वो अचानक से राजधानी पटना के सड़कों पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये पत्थर है जो आसमान से गिरा है, देखिए ये पत्थर आसमान से गिरा है और अचानक से राजधानी पटना की सड़कों पे आप देखिए कि पत्थर जो है वो गिरने लगे हैं। ये पत्थर आसमान से गिर रहा है और राजधानी पटना की सड़कों पर, देखिए मेरे हाथों में ये पत्थर है और राजधानी पटना की सड़कों पर ये अचानक से गिर रहा है। कहाँ से आ रहे हो आप? मधेपुरा से। स्कूल से? पूर्णिया से। अच्छा, इसके पहले तेज गर्मी थी उसमें जाना होता होगा, अब बारिश हुई है, मजा आएगा? हाँ अभी राहत मिला है। आप कहाँ से आ रहे हो? हम पटना में है। कहाँ गए थे? गए नहीं थे यार, एग्जाम हो रहा है तो इस वजह से आए हुए हैं। पढ़ाई करते हो? हाँ। तेज गर्मी में स्कूल या कॉलेज जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ जाना होता होगा, अब बारिश हुई है, अभी बहुत अच्छा है, राहत मिल रही है। बारिश जरूरी थी? हाँ जरूरी थी। क्या लगता है बारिश जरूरी थी? बहुत जरूरी थी। ओलावृष्टि भी हो रही है? हो रही है, अच्छी बात है, और थोड़ा राहत मिलेगी। तो निश्चित तौर पर जो राजधानी पटना में मौसम ने करवट ली है, उस करवट में अब ठंडक ला दिया है। राजधानी पटना के सड़कों पर जो लोग चल रहे थे वो अचानक से रुक गए, यात्री शेड हो या जहां भी उन्हें जगह मिला वहां छिप जरूर गए हों, लेकिन जो तेज गर्मी थी, जो तपती धूप थी, उससे लोगों को निजात मिला है, तेज गर्मी से राहत मिली है। राजधानी पटना में एक वक्त ऐसा था जब पारा 43 डिग्री से ज़्यादा बढ़ चुका था, लेकिन इस बारिश ने राजधानी पटना में ठंडक ला दिया है। राजधानी पटना की सड़कों पर आसमान से जो पत्थर गिर रहा है वो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। यह राजधानी पटना की सड़क है और यहाँ पर पत्थर गिर रहा है, आप साफ तौर पर ये पत्थर देख पा रहे हैं जो राजधानी पटना की सड़कों पर मोतियों की तरह बिछ गया है। यह देखिए राजधानी पटना की सड़कों पर यह पत्थर मोतियों की तरह सज गया है, जो आसमान से ये पत्थर साफ तौर पे राजधानी पटना की सड़कों पर गिर रहा है। अचानक से तेज आंधी चलती है, तेज हवा चलती है और उसी के साथ साथ तेज बारिश होती है, तो
तेज गर्मी और तपती धूप से लोगों को निजात मिलता है और लोग जो गर्मी में असहाय महसूस कर रहे थे खुद को, सड़क पे चलते थे तो पसीना खूब निकलता था, सड़क पर निकलते थे तो सूरज की तपिश में उनकी हालात जो थे वो बेहद नाजुक नज़र आते थे। अब वो हालात बदल गए हैं क्योंकि तेज बारिश हो रही है। ज़रूर तेज बारिश से समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि कहीं भी जाने आने में समस्या होती है, भीगने का डर रहता है और भीगने के बाद तबीयत खराब होने की समस्या रहती है, लेकिन बारिश पल भर के लिए होता है, उसके बाद फिर मौसम सुहाना होता है और जो तेज गर्मी है और तपती धूप है उससे लोगों को निजात मिलती है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ, अपने सहयोगी शैलेंद्र के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार पटना।